हेलो 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 गाइस, तो कैसे हो मेरे भाई लोग यार। सबको शत नमन प्रणाम करता है आपका स्कल भाई। तो जैसा कि मैंने बताया था लाइव स्ट्रीम पे गाइस, मेरा गेमिंग माउस आ चुका है। तो यार ये मेरी लाइफ का पहला गेमिंग माउस है यार। आज तक मैंने कभी यूज ही नहीं किया गेमिंग माउस, होता कैसा है देखा तक नहीं, बताओ। तो ये पहला माउस है। वैसे मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर ली है, मतलब देख लिया था खोल के कि भाई असल चीज आई है कि नकल चीज आई है, बट आपके लिए फिर से एक बार अनबॉक्सिंग कर देते हैं। अमेजोन से मैंने मंगाया और ये मेरे को पड़ा 800 रुपीज का, 799 का पड़ा मेरे को। और ये इतना बड़ा डब्बा है, मतलब डब्बा कैसे पाउच में आया, बाहर निकालते हैं। तो रेडी हो जाओ मेरे भाई लोगों, ये हाय देख रहे हो कतई जहर दिख रहा है ना, ये लो चार तरफ से देख लो। ये मैंने मंगाया 800 रुपीज का, रेड गियर इसका नाम है, कंपनी का नाम। मेरे जो प्रीवियस हेडफोन्स जो मैंने गेमिंग हेडफोन्स मंगाए थे थोड़े दिन पहले, वो भी रेड गियर के ही हैं। तो ये RGB है, फुल्ली कस्टमाइजेबल है। इसकी एक CD-VD भी आई इसके अंदर, अभी दिखाते हैं। तो इस तरह का डब्बा है। और एक चीज और अच्छी लगी इसमें मेरे को, इसके साथ अपने को ये फ्री मिला है, ये है माउस मैट, माउस पैड कह लो, माउस मैट कह लो, कुछ भी कह लो, ये इसके साथ अपने को फ्री मिला। तो चलो इस डब्बे को खोलते हैं पहले। वैसे तो मैंने खोल रखा है ऑलरेडी, बट आप लोगों के सामने एक बार खोल देता हूं। तो देरी देखो, ये रही इसकी CD, निकलती भी है कि नहीं निकलती। अरे भाई जम रखी अंदर, बाहर नहीं निकलती क्या? अरे बाहर निकल, निकल गई रे बाबा। तो ये रही इसकी CD, कोई काम की नहीं है मेरे लिए एटलीस्ट। वैसे इसमें सॉफ्टवेयर होगा जो आप इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये रही इसकी बुकलेट, इसको भी साइड रखा। तो चलो गाइस, ये मेन डब्बा है। मेन डब्बे में सबसे पहले अपन निकालेंगे इसको बाहर। ये निकला माउस मैट। अरे भाई बहुत ही हैवी है यार, बहुत ही हैवी फील हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब लो क्वालिटी का, ये देखो थिकनेस देखो भाई इसकी, कितना मोटा है। बस एक चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी इस माउस मैट की, कि साइडों से यार अगर ये ब्रेडेड टाइप होता ना, वो जो लगा होता है ताकि ये फटे ना उतरे ना, अगर वो चीज होती ना साइडों में तो मजा ही आ जाता, मतलब सोने पे सुहागा हो जाता। तो एक बार इसको ऐसे लगा के देखते हैं, ऐसा है, देख लो मेरे भाई लोगों, रेड गियर की ब्रांडिंग है इधर, काफी अच्छी क्वालिटी लगी। मैं अपना दूसरा माउस दिखा देता हूं आपको, माउस मैट सॉरी, जो मैं पुराना वाला यूज कर रहा हूं। तो ये रहा दूसरे वाला, अब कंपैरिजन कर लो इससे साइज में, देखो इतना बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है जो कि अच्छी बात है। और क्वालिटी वाइज भी मैं कहूंगा इससे डबल है ये देखो। हालांकि ये भी अच्छा है, ये मैंने लिया था 70 रुपए का या 80 रुपए का लिया था दुकान से, बट ये डब्बे में ही निकला तो अच्छी बात है यार, साथ में निकल रहा है, और क्या चाहिए। इसको भी साइड रखते हैं, माउस मैट को भी साइड में रखते हैं अभी, और अपना मेन काम करते हैं जो है गेमिंग माउस निकालना। तो पैकेजिंग बड़ी अजीब सी लगी मुझे इस डब्बे की, मैं सच्ची बात बताऊं तो ये डब्बा मेरे को जो पैकेज जिसमें भी पैक होके आया ना ये माउस, ये चीज मेरे को इतनी कुछ खास लगी नहीं। मतलब शोपीस टाइप ठीक है, बट डब्बा को इतना खास लगा नहीं क्वालिटी वाइज, जो प्रोटेक्शन दे पाए अंदर माउस को, ये कुछ नहीं है, फालतू सामान है। तो सीधा आप अपने मेन काम करते हैं, माउस को बाहर निकालते हैं। हो भाई 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 भाई, आ गया भाई बाहर आ गया। अरे भाई की जान, कतई जहर दिख रहा है ये तो। अरे भाई साहब, ओहो, सच्ची में गाइस मेरा ऐसा ही रिएक्शन था जब मैंने इसको पहली बार खोला था डब्बे को। तो अपन इसको बाहर निकालते हैं पहले यहां से, बाकी सबको बाहर फेंकते हैं, कोई जरूरत नहीं अपने को। तो गाइस ये रहा आपका गेमिंग माउस। तो आज से आपका भाई इसी को यूज करने वाला है भाई, इसी को यूज करेंगे GTA 5 में पट्टे दी छाती शॉट देने के लिए। अच्छा है, मेरे को तो अच्छा फील हो रहा है, काफी बड़ा माउस है साइज में, मैं ये कहूंगा छोटा नहीं है, इट्स अ बिग माउस। अगर आपके हाथ बड़े हैं तो आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो मैं अपना पुराना माउस दिखा देता हूं, वायरलेस वाला, जो पूरी तरह डेड हो चुका है, खराब हो चुका है, ये देखो ये रहा। और मोस्टली जो आपके माउस होते हैं वो इसी साइज के होते हैं या फिर हल्के से थोड़े से बड़े होते हैं। ये देखो, मैं दूसरा माउस दिखा देता हूँ, एक और माउस है मेरे पास जो मैं यूज कर रहा हूँ आजकल, बट वो किसी काम का नहीं है। ये वाला माउस मैं अभी यूज करता हूँ स्ट्रीमिंग के लिए, ये खराब हो चुका है, इसका ये वाला बटन खराब है, ये वाला बटन खराब है, और ये स्क्रोल व्हील भी खराब है, बट कर रहे थे यूज, बट अब से आपका भाई करेगा ये वाला यूज। हाय प्यार आ रहा है इस पे मेरे को। तो चलो, इसका एक और चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी इस माउस की, वो है इसकी वायर जो है ये पूरी ब्रेडेड है। जैसे इसमें आपको
रबड़ की वायर मिलेगी, ये किसी काम की नहीं भाई, कट भी सकती है, चूहे भी काट सकते हैं, कोई फायदा नहीं। बट इसकी वायर ब्रेडेड है, फील कर रहा हूं मैं, कपड़ा लगा हुआ है ऐसा लग रहा है। इसको खोलते हैं पहले, मैंने खोला भी नहीं था, मैंने यार जब वीडियो बनाऊंगा तभी खोलूंगा ताकि आप लोगों को दिखाऊं। अब इसको लगा के भी दिखा देता हूं, एक बार चला के देखते हैं। इसकी आरजीबी भी है इसमें, पूरा आरजीबी है, तो देखते हैं आरजीबी में क्या चीज है। मल्टी कलर आरजीबी है, सिंगल कलर आरजीबी है, क्या है। और वायर मेरे को काफी लंबी लग रही है, बहुत ही लंबी वायर है, आराम से काम हो जाएगा किसी का भी अगर कंप्यूटर थोड़ा दूर पड़ा है तो। ये है इसका क्या बोलते हैं यूएसबी। तो चलो इसको मैं लगा के दिखाता हूं। और ये हो गया कनेक्ट। मल्टी कलर आरजीबी है, जैसे कि ग्रीन है, ये देखिए इधर भी लाइटें जलती हैं, इसका लोगो रेड गियर का, साइड में भी आरजीबी है और नीचे नीचे तो शायद से इसमें कुछ जल रहा है क्या नीचे। हाँ हल्की सी लाइट है नीचे, बट लेजर टाइप फीलिंग नहीं आ रही मेरे को, जैसे कि इन माउसेस में होती है, लेजर वाली चीज नहीं लग रही मेरे को, डिफरेंट लग रहा है। ये वाला वायरलेस माउस है, इसमें लेजर नहीं होती यहाँ पे, बट इसमें भी मेरे को नजर नहीं आ रहा, काफी एर्गोनॉमिक लग रहा है। दूसरी बात, इसमें आप डीपीआई सेट कर सकते हो, डीपीआई के लिए डेडिकेटेड बटन दे रखा है और काफी सारे मोड्स हैं, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 बटन कह सकते हो, अगर स्क्रोल को भी अगर आप बटन मानोगे तो 7 बटन दे रखे हैं। तार भी काफी लंबी है और सबसे अच्छी बात, ये माउस मेरे को काफी लाइट लग रहा है, इतना हैवी नहीं है ये। वैसे काफी लोग हैवी माउस पसंद करते हैं बट मैं लाइट प्रेफर करता हूं, इधर से उधर मूव करने में इजी रहता है आपके लिए। तो ये रहा गाइज आपके स्कल भाई का गेमिंग माउस, मेरी जिंदगी का पहला माउस है रे बाबा, मतलब गेमिंग माउस, आज तक मैंने कभी खरीदा नहीं, देखा नहीं, आज देख रहा हूं, तब से आपको भाई यही वाला माउस यूज करेगा। आई होप अब पट दी हेडशॉट लग जाएंगे मेरे से बट आपका भाई पता है पट दी छाती शॉट ही मारता है, पट दी हेडशॉट अपने बस की नहीं रे बाबा। तो चलो गाइज आज की वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं अपने थॉट्स दे रहा हूं इसके बारे में, माउस के बारे में। ये कोई रिव्यू नहीं है, ये सिर्फ अनबॉक्सिंग है और एक ओवरव्यू है और एक क्विक थॉट्स कह लो। इसको मैं थोड़े दिन यूज करता हूं, उसके बाद बताता हूं कैसा है ये, परफॉर्मेंस कैसी है इसकी, क्वालिटी कैसी है, बट फॉर नाउ दिस इज व्हाट इट इज। तो गाइज यार वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक ठोको यार, सब्सक्राइब ठोको, शेयर भी करो वीडियो को। टिल देन आपका स्कल भाई साइनिंग ऑफ।